मुझे यहाँ पे जो सीख मिली है कि भाई 12 महीने जो जिंदगी की भागदौड़ के बीच एक प्रकृति के नजदीक रहने, प्रकृति के सानिध्य में रहने का मौका मिला है। लोगों को देनी है, आज के दिन में हैप्पीनेस मिस हो गई है, तो हमने ये जो इकट्ठा किया, ये मजमा, ये जो मंजर खड़ा किया है, तो ये हमें अभी रियल हैप्पीनेस। दोस्तों मैं राजू चीरा ब्लिस इंटरनेशनल टीम से, तो फिलहाल हम आए थे वासोना और हमारी पूरी टीम 200 लोगों की साथ में। तो जब जो ये जगह है, मैं ये जगह का आपका नाम बता दूं, तेजस्विनी संस्कृति धाम वासोना। यहाँ नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आए थे और मैं पूरा आश्रम में आज को आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ का जो मजा है और जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी है, वो आपको एकदम पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे आए थे, उसका एक्सपीरियंस क्या है। और यहाँ पे जो दीदी है, हम उसको भी मिलने की कोशिश करेंगे, शायद जो हम उसको वो अभी हमको मिल सके। तो पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पूरी पूरी जगह भी मैं पूरी दिखाऊंगा, पूरा आश्रम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप एंड तक पूरा देखना है और शेयर करना है। आपको जो यहाँ आना है, तो इसका लोकेशन और एड्रेस मैं इस वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे भी आपको दिखा दूंगा। ये जो पहली कुटीर है सत्यम, यहाँ पे दीदी बिराजते हैं और यहाँ से पूरा प्रवचन वगैरह सब चलता है। और हम इसके अंदर ही जाएंगे, मैं आपको अंदर पूरा क्या चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर। और अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक बड़ा सा एक वृक्ष है, तो वृक्ष के नीचे ही एक शिवलिंग है, वहां पे आपको ये शिवलिंग जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इसके बाद सीधा अंदर जाएंगे, यहाँ पे लोग काफी तक यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मन के एकदम शांति के लिए, शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। और दीदी भी यहाँ से प्रवचन देते हैं, वो यहाँ यहाँ बैठने की जगह है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं एकदम मन की शांति के लिए, तो यहाँ आने से प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एकदम आप कनेक्ट हो सकते हो। और दीदी आपको काफी ज्ञान देते हैं जो आज तक कभी कोई नहीं देता इतना। और जैसे यहाँ बाहर निकलोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस मिलेगा, यह है दीदी का जो मंदिर है। तो इसके अंदर आरती होती है सुबह शाम, और ये मंदिर भी है, काफी भगवान है अंदर, तो सभी देवी देवताओं का अंदर मंदिर है, वहां से आप उसका दर्शन कर सकते हो, सुबह शाम आरती का लाभ भी ले सकते हो। और बाजू में एक पुरानी कुटिया भी है, वो भी आप देख सकते हो, हवन वगैरह जो भी होता है यहाँ पे होता है। आप जब भी यहाँ पे आए तो आप मौन रहकर मनन करने के लिए तैयार होके यहाँ पे आना, तो क्या आप नेचर के साथ, आप कौन है उसका कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं मंदिर के एकदम पीछे की तरह जाता हूँ, देखिए एकदम सिर्फ सुनसान जगह है, प्रकृति के साथ आप यहाँ को बातचीत भी कर सकते हैं। वो पूरा इलाका है यहाँ से पूरा दिखता है। हम जाते हैं और आगे की तरफ। अभी हम यहाँ पे जो रहते हैं उससे उसको भी मिलने की बात करेंगे, वो यहाँ उसका क्या रोल निभाते हैं हम उसको भी पूछेंगे। और पूरे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ अंकल, आप यहाँ पे रहते हो तो यहाँ की और क्या क्या चीज अलग है वो आप हिंदी में बता सकते हो? इधर कुदरती वातावरण मिलता है, हिल स्टेशन है, कुदरती वातावरण हिल स्टेशन यहाँ पे मिलता है, इसीलिए मन की शांति के लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, मन की तो अभी तक तो यहाँ पे कितने कितने लोग की टीमें आ रही है? इधर अभी दिवाली के टाइम पे सब डेली 200 से 250 मानस रहने के लिए आते हैं, और विजिट के लिए लगभग 300-400 आदमी आते हैं डेली। ओके, तो वन डे के माते यहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा है यहाँ पे? हाँ, इधर 150 से 200 मानसों की रहने की व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हो ये है सापुतारा से एकदम नजदीकी है, सापुतारा से करीबन यहाँ पे 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर दूर है।
पर यहाँ पे रहने की सुविधा एकदम अलग है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहने की। और खास बात यहाँ पे आने के लिए कुछ अलग बात क्या है आपको? इधर अपना हेटल दीदी का, योग का, प्राणायाम का, ध्यान का सब लाभ मिलता है इधर सुबह और रात को, सत्संग मिलता है सर। यस, यहाँ पे आके आप सत्संग वगैरह सभी जो भी है या योग है, ध्यान है, वो सब आप कनेक्ट हो सकते हो, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है यहाँ का वातावरण एकदम आप जो आके अनुभव करता है उसी को ही पता चलता है। तो और मैं आपको आगे ले जाऊंगा, तो पूरा जो भी आश्रम है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक आपको रहना है, जो भी करें एक्टिविटी है, मैं अभी आपको जो भी यहाँ पे आए हैं रुकने रुक के वो क्या क्या खेल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी एक बार जरूर यहाँ पे आना और अपनी फैमिली के साथ आना। तो चलते आगे, हम जाते हैं तो मन की शांति के लिए ज्यादातर यहाँ पे लोग आते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर, तो हम और एक यहाँ पे जो सेवा करते हैं उसके मुलाकात करते हैं। तो फिलहाल आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी है। हरी भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे सेवा पूजा करते हो, तो मैं जान सकता हूँ ये आश्रम कितना पुराना है? ये आश्रम 2017 के एंड में किया था। इनके ओनर जो है वो ब्रह्मवादिनी सुश्री हेतल दीदी है, और उन्होंने बहुत साधना की है और इस भूमि को बहुत तप करके तपाया है, इसीलिए ये भूमि बहुत ऊर्जा वाली है। जैसे आप आए हैं तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि यहाँ पे, मतलब मैं दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ जो आते हैं उसका जो है वो आपको फील, अपने खुद फील किया, मतलब यहाँ आने के बाद फील होता है। हाँ जी, हाँ। तो मैं जान सकता हूँ यहाँ पे और एक्टिविटीज जो जो है, हाँ। वो मेरे से अलावा तो आपको ज्यादा पता होती है, हम तो यहाँ पे आए हैं 2 दिन के लिए, हाँ। जो भी हम यहाँ पे हमने भी देखा है काफी, हाँ। और दिवाली की सीजन है, हाँ। तो मैं और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हाँ। कि और क्या क्या एक्टिविटी और है यहाँ पे, हाँ। काफी लोग यहाँ पे आके सीधा चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल एक्टिविटी है, हाँ जी, वो सब क्या है वो मैं आपको जानना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पे जो है ना, तो वो ध्यान योग मेडिटेशन का है मेन, यहाँ का जो पर्पस है आश्रम है। तो दीदी जैसे बोलते है आ और श्रम कर ऐसे करके, तो यहाँ 3 दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की शिबिर रहती है। तो शिविर थी, मतलब में जिसको ध्यान के बारे में, मतलब में अपने को खुद को जानना है, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन अभी त्योहार है, शनि रवि रजा का दिन रहता है, तो लोगों की ऐसी डिमांड रहती है कि हमारे पास एक ही दिन की रजा है तो हम आ सकते हैं। तो फिर वो उनके लिए भी थोड़ा इजी करके वो लोग आ सकते हैं और रह सकते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं कि शाम को 4 बजे आते हैं लोग, 5 बजे हम उनको सनसेट पॉइंट पे यहाँ लेके जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, एकदम मतलब मैं मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आदमी यहाँ के एकदम खाली हो जाता है। और उनके बाद यहाँ 7 बजे आरती करते हैं हम माता जी की और शंकर भगवान जी की, और 8 बजे भोजन प्रसाद का समय रहता है। फिर 9 बजे यहाँ पे ज्ञान योग का, मेडिटेशन का और प्रश्नोत्तरी ज़्यादातर करते हैं। तो 9 बजे से फिर ये भी रहती है प्रश्नोत्तरी, ज़्यादातर लोगों की बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो बहुत सारे लोग मतलब में खुल के किसी से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ दीदी का स्वभाव ऐसा है कि दीदी को देख के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ बताए, तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो दीदी सारे लोगों को यहाँ एक साथ प्रश्न पूछती है, तो सारे लोग पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर दीदी एक साथ सबको। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब में 72 लोगों को उन्होंने जवाब दिया था। क्या बात, यानी कि 72 लोगों एक साथ बैठे थे, 72 लोगों ने सवाल पूछा था और दीदी ने उनका जवाब मतलब में स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिया। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी जगह पे रहने को मिलते हैं। सर वो बात तो एकदम सही है। मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे और कितने लोग एक साथ आए, मान लो कि बाहर से काफी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं अभी, तो यहाँ पे कितने लोग की रहने की सुविधा है वो मैं आपको जानना चाहता हूँ। मतलब मैं यहाँ रहने की सुविधा में क्या कि हमारे पास ये थोड़े रूम है, 6 रूम, उसमें 5-7 लोग रहते हैं एक रूम में। फिर दूसरे है डोर मैत्री जो जनरल रहता है, फैमिली रूम जैसा। तो पूरा तो पूरा टीम मतलब के साथ में तकरीबन कितने लोग एक साथ रह सकते, मतलब मैं आज जैसे आए हैं तो आज तो मतलब मैं 200 से ज्यादा लोग आए हैं। और लोग आके ऐसे बोलते हैं कि हमें
आज भी ऐसा ग्रुप आया है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें रूम नहीं मिलेगा तो चलेगा, हम वहाँ खतिया डाल के भी सो जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो 200 लोगों है आए हैं, तो ज्यादातर शाम के टाइम के यहाँ पे आते हैं, तो उसके रहने के लिए सुविधा यहाँ पे क्या क्या है? रूम है और जो डोरमेट्री है उसमें हमने वो रखा है, और भोजन रखते हैं हम लोग, एकदम सात्विक भोजन यहाँ का रहता है। यानी 200 लोगों को जो अभी यहाँ पे आते हैं उसके लिए यहाँ भोजन की जो व्यवस्था है वो आप यहाँ से कैसे पूरी कर सकते हैं? मतलब मैं 4 बजे आते हैं तो चाय पहले दे देते हैं, फिर शाम को 8 बजे भोजन देते हैं। रात का खाने में हम लोगों खिचड़ी करी, सात्विक भोजन एकदम, और रोटली और सब्जी के देते हैं। यानी सब यहाँ पे ही बनता है पूरा? हाँ, एकदम सात्विक भोजन। जितने भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ का खाना इतना अच्छा लगता है कि हम बस मतलब में मन प्रफुल्लित हो जाता है, जितना भी खाए और पच जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपने पूजा की बात बोला था, माता जी की पूजा होती है और शंकर जी की पूजा होती है, तो मैं ये जो मंदिर है तो इसके अंदर हम जा सकते हैं अभी? हाँ, जा सकते तो है। हम अंदर जाके कौन कौन से भगवान है उसकी भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए। काफी खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे मैं जान सकता हूँ कौन कौन से भगवान और इतने सारे भगवान यहाँ पे क्यों रखा जाता है? वैसे दीदी बताती है हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म, बराबर, मतलब मैं 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं लेकिन 33 कोटि, मतलब में कोटि मतलब में प्रकार के हमारे देवी देवताएं हैं। तो जिनकी जिसकी श्रद्धा है वो यहाँ आके वैसे वो पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर्स कि आपको इसमें ही मानना इसमें, लेकिन वो पकड़ोटी और ज्यादा तक देव शिव पूजक है तो शिव की हम पूजा करते हैं, और माता जी भी है यहाँ पे, सारे देवी देवता है जी। और काफी यहाँ पे अपने खूबसूरत मंदिर और साक्षात विराजमान भगवान बैठते हैं, ऐसा जो आपने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बनाया है, तो यहाँ आने के आपने सही बोला था, यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि अपना मन प्रफुल्लित कितना हो सकता है, यहाँ आने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो जरूर मित्रों ये वीडियो देख के आपको ये जो लोकेशन और एड्रेस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे भी आपको दिखा सकते आ रही है, वहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे रुकने रहने की भी सुविधा है, वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा, तो हम जाते हैं वहाँ पे। और एक खास बात है और है, यहाँ पे कौन कौन से लोग आ सकते हैं वो भी हम उसी से मुँह से सुनेंगे, यहाँ पे कौन से लोग आते हैं, क्योंकि सापुतारा एकदम नजीक यहाँ पे है, तो जो भी किसी को दिक्कत ना आए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रायोरिटी है और क्या क्या यहाँ पे जो बंधन है वो हम सुनेंगे श्री हरि सर से। यहाँ पे दरेक मतलब जितने भी मनुष्य है सारे लोग आते हैं, और दरेक धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं, ऐसा पर्टिकुलर्स नहीं कि यही लोग आएंगे, और यहाँ आने के बाद सबको ऐसा सारे लोगों की अनुभूति अलग अलग रहती है यहाँ पे, वो खुद अपने खुद बना के जाते हैं कि हमें यहाँ के बहुत शांति मिली, जैसे दूसरी जगह पे हमको इतनी शांति कहीं पे मिली नहीं, फिर दीदी को मिलने के बाद तो उनको और एकदम अच्छा लगता है। तो आप भी दीदी को मिलेंगे तो भी आपको भी पता चल जाएगा कि मतलब में दीदी कितनी सरल है यहाँ पे, मतलब में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे क्या बताए, मतलब में बंधन कोई नहीं है यहाँ पे। मैं मेरे को पूछने का एक था, सापुतारा एकदम यहाँ पे एकदम नजीक है, समझे, तो वहाँ पे लोग ड्रिंक्स करके भी आते हैं, तो ऐसा कोई प्रायोरिटी है यहाँ, कोई नशा वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे चलता है या बाहर से कोई लाने की, ऐसी कुछ मैं वही पूछना था। वैसे तो सबको ऐसा लगता है ना कि आश्रम है, तो सारे लोग ऐसे तो बोलते हैं कि आश्रम में तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ आके फिर डीटी के साथ जो बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ व्यसन छोड़ के गए हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ऐसा भी उनका अनुभव है, कि और फिर वो फोन करके भी बताया कि हम लोगों ने वैसे करते थे लेकिन अभी हम लोग ये ड्रिंक्स भी नहीं करते, और मावा गुटखा भी वो बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। एकदम सही बात है, यहाँ पे आपको बहुत ही लाभ यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी लोगों का व्यसन भी छूट चुका है, यानी शराब का व्यसन नहीं, पान मावा गुटखा जो भी है उसका भी व्यसन यहाँ पे छूट सकता है।
तो आप एक बार जरूर ये आश्रम पे आइए और मैं आगे आपको और आगे लेके जाऊंगा। रहने की क्या सुविधा है, अभी जो 200 लोगों की टीम आई है उसके साथ हम कनेक्टेड होके उसका एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। तो थैंक यू जो आपने इतनी हमको यहाँ पे जो बात बताई और हमारे दर्शक मित्र को भी ये बात बताई। और कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। मैं कहना तो क्या चाहूंगा, लेकिन आप दीदी को भी जाने और दीदी भी कुछ आपको बताए ऐसा मेरे को लगता है। हम जरूर जानेंगे दीदी का भी, हम आगे जो मिलेंगे तो उसका भी हम रिव्यू लेंगे और दीदी से डायरेक्टली आपको बात कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है, तो बहुत ही मजा आएगा और आश्रम भी एकदम बढ़िया है। तो हम दूसरे लोगों जो यहाँ पे आए हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने। तो मंदिर भी हमने देख लिया और श्री हरि साध जी है यहाँ पे, तो उसने जो सेवाई वगैरह जो भी है तो उसने उसका भी एक्सपीरियंस उसने बताया। तो आप जो जब भी यहाँ पे आओ तो हम नंबर भी इसमें एड ऑन कर देंगे, ऐसा लगे तो आप फोन करके भी यहाँ पे आ सकते हो। तो हम यहाँ पे आए हैं सत्यम, जो हमने अभी अंदर पूरा माहौल पूरा देखा, इसके बाहर का जो लोकेशन है तो यहाँ पे पूरा हरियाली गार्डन ये देख सकते हो। यहाँ पे जैसे अंदर आते तो काफी वगैरह फूल वगैरह जो भी है यहाँ पे दीदी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर रखा है। और यहाँ पे बच्चे लोग भी, यहाँ एक कछुआ है तो उसको देखने के लिए बच्चे भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, और बहुत ही मजा आएगा ये पूरा आश्रम देखने के लिए। आश्रम ऐसा बना पूरा हरियाली के साथ। मैं और यहाँ पे जो आए हैं उसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दो दिन से यहाँ पे रुके हैं हम, उसके साथ एक्सपीरियंस लेंगे, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या रहा है। तो फिलहाल मैं आपका नाम जान सकता हूँ? किंजलबेन कथिरिया। किंजलबेन, यहाँ पे आप कितने दिन से रुके हुए? दो दिन से। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस क्या है, कैसा रहा आपको यहाँ पे रहने के लिए? यहाँ नेचुरल वातावरण के साथ बहुत अच्छा लगता है, और जो सत्संग के माहौल में हम गए थे तो वहाँ दीदी के साथ जो लिए वो बहुत मजा आया। और दीदी के साथ यहाँ पे उसने जो प्रवचन दिया उसके मजा आया। और मैं आपको ये जान सकता हूँ आप यहाँ आए कहाँ से हो? मैं ब्लिस इंटरनेशनल हमारी टीम है वहां से जुड़े हुए थी और सूरत से आई हूँ। तो सूरत से भी लोग यहाँ पे, काफी लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ब्लिस इंटरनेशनल जो टीम बताई वो कितने लोगों की यहाँ पे? वो 200 लोगों से आई। ओके, तो 200 लोगों की टीम पूरी यहाँ पे आई है। हम जितने भी लोग यहाँ पे मिलेंगे उसके साथ उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक और एक ग्रुप यहाँ पे आए है पूरी फैमिली के साथ, तो हम उसी से भी मिलेंगे। तो मैं आपको जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? पिनल बेन, आप यहाँ जो आए है तो आप कब से यहाँ पे आए हो? आज ही आए हो। तो आप कहाँ से आए हो? सूरत। सूरत से दूसरी टीम जो है, दूसरे फैमिली, वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ का जो लोकेशन वगैरह है वो आपको कहाँ से मिला था? मैप में। मैप से मिला था? और आपको किसी ने बताया था? फ्रेंड सर्कल ने बताया था। तो ये जगह बहुत खूबसूरत है मित्रों, काफी लोग यहाँ पे आ रहे है। तो यहाँ का जो आप अभी आए हो तो यहाँ देख कर आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा आश्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो, दो लाइन में? शांत वातावरण है और घूमने फिरने का बहुत अच्छा सर है। यस सर, तो लोगों अभी जो माहौल जो चेंज हो रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, लोगों को सापुतारा एकदम नजीक है, लेकिन अभी सभी को यहाँ पे मन की शांति के लिए आश्रम में आना बहुत जरूरी है। और इतने जो युवा पीढ़ी है वो उसको भी कुछ ना कुछ ये शांत माहौल में लेके आना है। आने वाली जो भी पीढ़ियां है उसको हम इसी से बदल सकते हैं, इसी आश्रम से बदल सकते हैं, ना कि कोई मौज शौक और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं है। एकदम आश्रम अपनी संस्कृति जो बचानी है तो ऐसे आश्रम में आपको आना जरूरी है। दूसरी कुटीर है यहाँ पे शिवम, जो शिवम नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी लोग रह सकते हैं, एसी की भी यहाँ पे सुविधा है, आगे गार्डन भी है, पूरी हरियाली यहाँ पे रहती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग पानी का जो गर्म पानी का जो भी है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। बाजू में दूसरा भी है सुंदरम, तो ये सुंदरम भी है तो काफी यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर लोग रहते हैं। रहने की खूबसूरत यहाँ पे जगह है और सामने पूरा गार्डन भी है, आप देख सकते हो। पुस्तकालय भी है, वाचनालय यहाँ पे भी बना हुआ है। और यहाँ शाम को लोग आके बैठते हैं यहाँ पे, तो मन की शांति के लिए जिसको बैठना है, प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का, मन का जो विचार है
वो यहाँ से खाली होता है। देखिए यहाँ पे और सुंदरम जो नाम दिया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन रहने के लिए बना है। पहला जो आश्रम है, दूसरा रहने के लिए, और तीसरा रहने के लिए। यहाँ पे और काफी टीम यहाँ पे आई हुई है। हम एक और लीडर यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको हम मिलने जा रहे हैं, जो हमारे ब्लिस इंटरनेशनल से है, तो हम उसी को ही मिलने जा रहे हैं और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस पूछते हैं कि यहाँ पे कब से यहाँ पे रुके हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम यश है, यश राणा। यस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं व्यारा से हूँ। ओके, तो मैं जान सकता हूँ आप कितने की टीम यहाँ पे आई है? मेरी टीम से 76 लोग है। 76 लोग आई है, यानी पूरे ब्लिस इंटरनेशनल से 200 लोग है, उसमें 72 लोग खाली यहाँ पे यस भाई का है। तो आपका दो दिन जो यहाँ पे रुके थे उसका एक्सपीरियंस क्या सर आया? एकदम बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुए है अंदर अंदर लोगों के, और जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास लोग खेल रहे हैं अभी, तो ऐसा और कोई बिजनेस में पॉसिबल नहीं हो सकता जो इस बिजनेस में सारी चीजें हो रही है। तो हम जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं वो सभी को उतना वैल्यू यहाँ पे मिला है। अंदर से लोग जागे हैं और मजे किए हैं, और यही चीज हमें आने वाले टाइम में बिजनेस में रिजल्ट में रूपांतरित होते हुए हमें दिखेगा। हाँ, खटिया रखे बैठे भी है और यहाँ पे पूरा बैठने के लिए जगह भी है, और काफी लोग यहाँ पे क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हो कितने लोग यही जगह पे खेलते हैं। देखिए अभी यस, तो पूरा जो भी एरिया है यहाँ पे पूरा क्रिकेट खेला जाता है, पूरा एकदम सभी को यस। देखिए और ये है नीलेश भाई सावज ने लगा दिया था बोल, और आगे हम जाते हैं। यस, यहाँ पे क्रिकेट देखने के लिए भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक रन, देखिए 25 रन हो चुके हैं फिलहाल अभी, और आगे हम जाएंगे। यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो देखिए आप ऑडियंस, हम ऑडियंस से पूछते हैं आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वो। और दो कितने दिन से यहाँ पे रुके? दो दिन से आप रुके, आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू। ये ऑडियंस जो है यहाँ पे पूरा क्रिकेट का मजा भी ले रहे हैं, और ऑडियंस जो भी क्रिकेट देख रही है पूरे टीम के साथ। तो मैं आपको, आपका नाम क्या है सर? भावेश भाई गजेरा यहाँ पे आपके साथ हमारे साथ है, तो हम उसी को पूछेंगे यहाँ पे कितने दिन से रुके हो सर? दो दिन से रुके हुए है, तो यहाँ के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया प्लेस है और ब्यूटीफुल है, मजा आया है। सबको बच्चे खेल रहे हैं और हमको भी एक माइंड फ्री हो गए है। यहाँ पे जो कल मेडिटेशन किया उसके बाद गरबा चला, बहुत मजा आया। और कुछ कल एक्टिविटी किया हो ऐसा कुछ? कल ये जो सनसेट पॉइंट देखने गए थे और वहाँ पे भी एक मेडिटेशन किया, तो बच्चे को ये जो पुरानी गेम है वो सब, जैसे भुमड़ा है, बैडमिंटन है, वो सब खेल रहे थे। यस, तो यहाँ पे काफी लोगों ने काफी एक्टिविटी और गेम्स यहाँ पे खेले हुए है। तो फिलहाल हम हमारे साथ है नीलेश भाई, तो उसको भी हम हमारे बहुत खास मित्र है, हम उसी को भी पूछेंगे कि यहाँ पे आप दो दिन से यहाँ पे रुके हुए हो, तो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत ही बढ़िया और उम्दा, यहाँ जो एटमोस्फियर है पूरा फैमिली जैसा है, लगता नहीं कोई अलग अलग आए है कहीं से, माडोली से आए, बॉम्बे से आए है, सूरत से आए हैं, दावत से आए हैं, लेकिन सभी कैसे बोलते हैं कुटुंब है, तो बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है अभी क्रिकेट खेल के आया अभी। तो थैंक यू सर, बहुत एक्साइटमेंट यहाँ पे, बहुत काफी लोगों को मजा आ रहा है। हम और आगे जाएंगे, और भी यहाँ पे हमारे साथ भी है, तो हमारे साथ एक और भी है, तो हम उसी के पहले नाम पूछेंगे। सर आपका नाम? धनराज दायमा। धनराज सर, यहाँ पे आपको जो दो दिन से आप यहाँ पे रुके हुए, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, आश्रम का आपको क्या सीख मिली है? मुझे यहाँ पे जो सीख मिली है कि भाई 12 महीने जो जिंदगी की भागदौड़ के बीच एक प्रकृति के नजदीक रहने, प्रकृति के सानिध्य में रहने का मौका मिला है, और सबके लिए अलग अलग एक्टिविटीज है, बच्चों के लिए गेम जोन है, नवयुवाओं के लिए क्रिकेट जोन है, बुजुर्गों के लिए गपशप है, और मेडिटेशन है, योग है, आध्यात्मिक है, सारी की सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे,
और बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ आके लग रहा है भाई एक फैमिली मेंबर है, प्लीज परिवार एक परिवार की तरह मैनेज कर रहा है सारे, तो सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पावर कुछ भी नहीं है। तो और कुछ आपने जो परिवार आपने बोला है, तो परिवार के लोगों को कुछ कहना चाहते हो आप? परिवार के लोगों को ऐसा है कि जैसे एक पिछले जो आप रिपोर्टर ने बताया कि भाई बॉम्बे से भी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ सौराष्ट्र से है, जूनागढ़ से है, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, फिर भी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आके लग रहा है कि हम सारी एक फैमिली से और काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान है, ऐसा लगता नहीं है अजनबी है। तो एक पुलिस परिवार की एक ताकत है, एक आध्यात्मिकता है कि भाई हम एक ज्वाइंट फैमिली में कन्वर्ट होकर रह रहे हैं और एंजॉयमेंट करें, और यहाँ से जाएंगे तो सब एक दूसरे के मतलब परिचित हो गए जाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पुलिस परिवार। यस यस, तो ब्लिस परिवार जो भी है वहाँ पे पूरे जो ब्लिस का जो एथिक्स है वो सर ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। एक परिवार हम दोनों साथ में खाना खाए हैं, तो जैसे भी हम सुबह दो दिन से यहाँ पे रुके हैं तो सब लोग एक साथ ही खाना खाते हैं और सब एक साथ आप देख रहे हो पूरा, एक साथ ही खेल रहे हैं और देखने के लिए भी जो भी देख रहे हैं एक ही मैच चल रही है और देखने के लिए सभी लोग बैठ गए, ना तो कोई दूसरी और गेम चल रही है देखो। तो ये एक परिवार है, ब्लिस इंटरनेशनल एक परिवार है। और एक टीम से और ग्रुप से मिलने जा रहे हैं, तो हम पहले उसका नाम पूछेंगे। सर आपका नाम? इदरीस। इदरीस सर, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम ब्लिस दाहोद की है, दाहोद से है ब्लिस टीम। ओके, दाहोद से पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है और आप यहाँ पे दो दिन से रुके हो, तो दो दिन से आप यहाँ का एक्सपीरियंस क्या शेयर कर रहे हो? दो दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमारा लर्निंग रहा बहुत। हमने ये सोच के आए थे कि इवेंट है जो हम एंजॉय करेंगे फैमिली गैदरिंग, पर वो तो किया ही है, हम बॉन्डिंग बढ़ा है फैमिली के बीच में, और जो नेगेटिवनेस जो होनी चाहिए थी एक दूसरे के बीच में वो भी निकली है। प्लस एक मैसेज मिला है कि जो हम मिशन पे चल रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट है, वो बड़ा मिशन है, वो ऐसे ही अचीव नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत सारे डिवोशंस चाहिए, वो करने पड़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तभी ये मिशन अकम्प्लिश हो सकेगा, ब्लिस का जो मिशन है। और वो ब्लिस का मिशन वो पर्सनल ग्रोथ ही है, वो हमारी ग्रोथ है जो उनका भी मिशन है, वो अलग नहीं है। तो जीता के हम जीतेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है, बस रखा कुछ अलग तरीके से हमने, जो ब्लिस ने रखा है तो वही हम अचीव करना चाहते हैं, और बाखूबी टीम साथ दे रही है और टीम आगे बढ़ रहे हैं। तो और हमारे जो ब्लिस परिवार जो भी है, यानी 1000 फैमिली को सिक्योर कर चुकी है, उसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हो सर? सर हम कमिटमेंट लेके चले हैं, एज ए हम मैं खुद ब्लिस कोर का मेंबर हूँ, और हमारे साथ हमारे सीनियर खड़े हुए जुनेद सर जो है, ये शायद बेहतर जवाब देंगे। तो यस जुनेद सर, तो जैसे इदरीस सर ने बताया तो मैं आपको वही पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी 1000 फैमिली जो ब्लिस परिवार सिक्योर कर चुकी है, ब्लिस परिवार जो 1000 लोगों की सिक्योर कर चुकी, उसके लिए आप मैसेज क्या दे रहे हो? क्योंकि आप काफी सीनियर पर्सन हो, क्योंकि दाहोद से इतनी पूरी टीम लेके आप यहाँ पे आए हो, तो मैं आपको वही पूछना चाहता हूँ, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सर ब्लिस का जो विजन और मिशन है कि हमें रियल हैप्पीनेस लोगों को देनी है, आज के दिन में हैप्पीनेस मिस हो गई है, तो हमने ये जो इकट्ठा किया, ये मजमा, ये जो मंजर खड़ा किया है, तो ये हमें अभी रियल हैप्पीनेस मिल रही है, और ये रियल हैप्पीनेस से हमें ये पता चल रहा है कि अगर यही फंडा हम हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे तो दूसरे और लोगों के चेहरों पर हम ये खुशी ला सकेंगे। और हमारा जो मोटिव है कि ब्लिस का जो विजन है जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो वो तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमें फायदा मिल रहा है, और एज ए टीम हम लोग जब काम कर रहे हैं तो टीम का जज्बा भी बढ़ता है, और टीम का जज्बा बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आना तय है। यस सर, काफी बहुत ही बड़ी चीज सर ने बता दी है कि टीम के साथ रहेंगे और बॉन्डिंग जैसे बढ़ेंगे इतना रिजल्ट बड़ा आएगा, और इतनी सर ने भी बताया कि पूरा डंका बजाना है समझो, जैसे कि पूरा माहौल आप यहाँ पे देख सकते हो इतना, तो ये तो भी झलक है, आने वाले समय में बहुत ही बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सर जो आप यहाँ से पूरे यहाँ पे टीम लेके आए हो, तो इसके लिए तहे दिल से आपका भी खूब खूब धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ श्रद्धा टीम पूरी है, तो हम उसी से साथ यहाँ पे जो दो दिन रुके हैं उसका एक्सपीरियंस हम लेंगे। तो सबसे पहले हम सोनल बेन को हम पूछेंगे कि आप यहाँ पे कितने दिन से आए हैं और यहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हम यहाँ से दो दिन से रुके हैं, यहाँ इतना मजा आ रहा है कि पूरा नेचर के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग
यहाँ पे हमको पेड़ दिखने मिल रहे हैं, पक्षी देखने मिल रहे हैं, पूरा जंगल का आनंद ले रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे डूंगर है, टेकरी है, सनसेट पॉइंट है, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हमने किए हैं नेचर के साथ कनेक्ट होके। दीदी का बहुत अच्छा सा प्रवचन चुना है, सुना है, और बहुत सारा यहाँ से लर्निंग लिया है, और वो लर्निंग सोनगिर जाके कृष्णा पांडे से भी लिया है, और उसका इम्प्लीमेंट सूरत जाके करना है पूरी ब्लिस टीम का ग्रोथ के लिए। यस, और हमारे साथ ग्रैंड मेंटर कौशिक सर भी हमारे साथ है, वो हमारे श्रद्धा टीम और उसको ब्लिस परिवार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट उसी से ही पूछते हैं। यस सर, तो हम पूरे ब्लिस परिवार और श्रद्धा टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कि हम ऐसे ही ऐसे आगे हम हमारी टीम और बड़े कैसे कर सके, और हम एक फैमिली होके एक जुट कैसे रह सके, वैसे ही हम एक आगे और ऐसे प्रोग्राम आगे हर तीन तीन महीने ऐसे करते रहेंगे, तो हम परिवार इससे बड़ा होता जाएगा ऐसे करते रहेंगे। तो यही चीज है, तो ऐसे माहौल में हम रहेंगे तो हम अपनी अपनी टीम को भी माहौल में रख सकेंगे, और इसमें से ज्यादा तो परिवार एक जुट कैसे रह सके वो सीखना मिलेगा इसमें, और यही हम फ्यूचर क्या बोलते हैं आध्यात्मिक की तरफ से हम भी वो बहुत कुछ नेचर के साथ जुड़ के हम पूरा फैमिली एक साथ उसमें से इसी ओरा इकट्ठा कर ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। और यस, आप देख सकते हो कौशिक सर ने बताया यहाँ पूरा परिवार के साथ अपना कोरा जो भी है यहाँ नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, और एक परिवार के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ानी है। वही बात हम हमारे साथ डॉक्टर साहब है तो उसी को हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप दो दिन से रुके हुए, तो आप और आपकी टीम यहाँ से क्या सीख लेके जा रहे हो, और उसका आगे क्या इम्प्लीमेंट, और अपना ब्लिस परिवार और श्रद्धा टीम को क्या मैसेज देना चाहते हो? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और साथ में फैमिली भी था, तो फैमिली का बॉन्डिंग भी बढ़ता है। एक हम फैमिली को लेके कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या एंजॉय करके चले आते हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ना तो सिर्फ एंजॉयमेंट मिला बल्कि बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, और वो हम टीम के साथ सीख के जा रहे हैं, तो हम टीम का ग्रोथ करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करके टीम को ज़्यादा बड़ी करेंगे। तो ये टीम के ग्रोथ के लिए और आध्यात्मिक टूर बोल सकते हैं आप उसको, तो ये टूर जो है वो बहुत बढ़िया रही है। यस, तो काफ़ी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये जो पूरी टीम है यहाँ पे एक बूस्ट मिलने वाला है, और परिवार के साथ जो भी नेगेटिविटी थी वो भी यहाँ पे ख़त्म करके और आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है वो डेफिनेटली है, और ये माहौल में आके कनेक्टेड, प्रकृति के साथ कनेक्टेड, और आश्रम में जो एतल दीदी ने जो भी बताया है वो उसके इम्प्लीमेंट और नेचर के साथ एकदम कनेक्टेड हो गए। और हम हमारे साथ और एक जाबाज लीडर है, मैं उसी से पूछना चाहते हूँ यहाँ पे आपको क्या सीखने मिले। कांजी भाई है हमारे साथ, तो हम उसी को भी पूछेंगे। तो कांजी भाई, यहाँ जो आए हैं आप पहले गांव में रहते थे, और यहाँ पे आपको क्या इतना मजा आया ब्लिस परिवार और श्रद्धा टीम के, वो आपने जानना था। पहले तो मैं गांव का और यहाँ का नज़ारा बताइए, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब हम भी ऐसे ही वातावरण में रह चुके थे, इसे बाद में डेढ़ महीना हुआ जो सिटी में आए, तो फिर से हम यहाँ आया, तो एक स्नेह उभरा, एक नेह जैसा लगा, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि वाकई में इतना प्रकृति के साथ हिलमिल गए हम लोग, और कमाल तो कुदरत का है, हम कुछ नहीं है भाई। वैसे लोग कह रहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन दो दिन में हम देख लिए कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, लेकिन बहुत टीम का भी सहकार है, और अपना कौशिक भाई, सोनल मैम और सभी सभी से बहुत आनंद मिला, प्यार मिला, भाव मिला। तो यहाँ पे आप परिवार के लिए साथ में आए हो, तो जैसे परिवार का जो बॉन्डिंग है, समझो हम परिवार को पूरा टाइम नहीं देते थे पहले, लेकिन ये जो आपने ब्लिस परिवार ने जो ये पिकनिक जो भी बनाया है दिवाली के ऊपर, तो ऐसा भी आपको लग रहा है कि फैमिली के साथ हम थोड़ा घूमने के लिए जाए, वो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा? नहीं, उसके मुकाबले में ये जो अपना जो ये फन ट्रिप था, तो ये पूरा परिवार है, नहीं कि हम दो चार, यानी मैं यही पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर भी खड़ा रहूँ वहाँ मेरा परिवार है। मैं वही पूछना चाहता हूँ,
मान लो कि आप पूरे एक फैमिली के अंदर चार पांच लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे पूरा परिवार आपको दिख रहा है, तो वो जो मजा है वो एकदम यहाँ ये कोई और नहीं मिल सकता। डेफिनेटली यस, तो वही मजा है। तो जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हो और ब्लिस परिवार में जुड़ने चाहते हैं, वो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे साथ जो काफी ब्लॉगर के लिए वो माना जाता है और योगा मेडिटेशन वो भी करते हैं, तो हम उसी का एक्सपीरियंस लेते हैं। वो सूरत के अंदर बहुत बड़ा सेंटर चलाते हैं, तो हम उसी को ही पूछते हैं यहाँ पे आके आपने और अलग क्या सीखा है, उसी के आपको बारे में आपको शेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर आई, मैं तो बहुत सालों से जो गांव गई नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरे गांव की याद आई। yes. और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर प्रकृति के साथ जो कनेक्ट हुई और यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन किए और यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा भी आए। और मेडिटेशन करते वक्त हम कुछ भी चीज देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है ना कि हमारी आंख एकदम से बंद हो जाएगी, वो देखने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा परिवार मिला, ऐसा नहीं कि मैं और हम दोनों आए तो यही मेरा परिवार है, तो यहाँ पर पूरा ब्लिस परिवार, हमको बहुत मजा आई यहाँ पर, और इतना बड़ा परिवार है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा परिवार मिला मुझे। यस दोस्तों, तो काफी यार लोग भी एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हो काफी लोगों ने तालियां बजा चुकी है, देख सकते हो। यस, तो थैंक यू सो मच श्रद्धा टीम को और थैंक यू सो मच आप सभी को। जो दो दिन का यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो उसी को पूछेंगे कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, जो आप मम्मी यहाँ पे दो दिन रुके थे उसके लिए आप क्या शेयरिंग देना चाहते हैं। यहाँ का जो नेचर है, वेदर है, अबाउट बढ़िया है, और जो ये ब्लिस टीम है वो भी अच्छे है, सब उसके मेंबर्स, जैसे मैं पहली बार आया हूँ लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ, सब फैमिली की तरह अपने साथ बिलोंग करते हैं। और दूसरा ये है कि जो ये टीम है वो काम कर रही है, एक जगह से नहीं हर जगह से आए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम सूरत से हो तो तुम सूरत वाले के साथ रहो, यहाँ से तो यहाँ रहो, सब अपने को अपने फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, गुड न्यूज देना चाहता हूँ, ब्लिस एकेडमी ने ये हमारे साथ जुड़ने वाले को शॉर्ट टाइम में, तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन सुधीर भाई। एक राय थी मेरी कि यहाँ पे इतनी गाड़ी आई, इतने ग्रुप आए, तो इसमें आपको ये करना था, जैसे कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको ऐसा लगे एक ब्लिस कंपनी है उसका कोई बैनर या ऐसा कुछ चाहिए, जिनसे एंट्री है वहाँ पे रखे, एग्जिट है वहाँ पे रखे, जैसे कोई खाने का स्टोर है वहाँ पे रखे, ताकि क्या अगर मेरे जैसा कोई नया मेम्बर तो उसको पता चले कि ये ब्लिस ग्रुप है। अभी सब ब्लिस से जानते हैं लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये ब्लिस वाले आ रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि ये टूर वाले है, अगर ये होता तो इनसे बेटर लगता। यस yes, तो वही मजा है, जो नए लोग है वहां से हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो उसने भी इसका एक शेयरिंग एक्सपीरियंस जो था उसने वो शेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमारे ग्रुप में आने के लिए बहुत ही आपने बहुत डिसीजन ले लिया है, तो इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।